तो दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे आप आईपी सेट कर सकते हो वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर टास्क बार में जो आइकन दिखाई दे रहा है नेटवर्क सेटिंग्स का, तो इसमें आकर राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद अगर आप इथरनेट का आईपी सेट करना चाहते हो तो यहाँ पर इथरनेट पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज अडाप्टर सेटिंग्स। उसके बाद यहाँ पर आपको इथरनेट का जो आइकन है वो दिख जाएगा। ये इथरनेट का आइकन है और उसके बाद ये आपके वाईफाई का आइकन है, वाईफाई अडाप्टर का। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है अपना जो ब्लूटूथ कनेक्शन है उसके अडाप्टर का। तो यहाँ पर आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इथरनेट का जो अडाप्टर है इस पे यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जाकर आप इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट मिलेगा, ऑब्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस वो ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना जो आईपी है वो आईपी एड्रेस डाल देना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर सबनेट मास्क डालना है और साथ में यहाँ पर अपना जो गेटवे है वो गेटवे डालना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका अगर कोई डीएनएस है तो डीएनएस डाल सकते हो, डीएनएस का आईपी एड्रेस। और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद अब इसको क्लोज कीजिए और आपका ये रिफ्रेश होकर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था आपका इथरनेट में आईपी सेटिंग्स। तो इसी तरह से आप वाईफाई का भी सेट कर सकते हो यहाँ पर जाकर सेम तरह से। तो आप यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो डाल दीजिए, सपोज 192.168.0.1। तो सपोज ये वाला, और यहाँ पर सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली लेगा। यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे अगर आपका है तो, और ओके कर देना है। तो आपका जो आईपी है वो सेट हो जाएगा। तो आप इस सेटिंग्स पे और भी बहुत जगह से आ सकते हो, सिर्फ यहाँ से नहीं। आप अगर चाहो तो कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। कंट्रोल पैनल में जाकर यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर मिल जाता है। यहाँ पर आके चेंज अडाप्टर सेटिंग्स इस पे जा सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर माय कंप्यूटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क मिल जाता है, ओके कीजिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर कर सकते हो। यहाँ पर से भी आप एक जगह पर जा सकते हो। तो ये पॉपअप अगर नहीं दिखाई देता तो आप यहाँ पर जा सकते हो नेटवर्क, देन यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, देन यहाँ पर आके जा सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।